खबर जावरा से है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हुसैन टेकरी शरीफ में इंदौर के रहने वाले दिनेश अपने पूरे परिवार के साथ होली का पर्व मनाने के लिए पहुंचे थे, जहां पर दिनेश ने अपनी पत्नी अनीता पर रात में चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और अपने दोनों बच्चों को जहरीला पदार्थ पिला दिया, जिस पर गंभीर हालत में दोनों बच्चों को जावरा के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। आरोपी दिनेश की पत्नी ने बताया कि दिनेश इंदौर में मजदूरी का कार्य करता है। कुछ दिन पहले ही हम लोग हुसैन टेकरी शरीफ होली का पर्व मनाने आए थे, लेकिन न जाने क्या हुआ कि मेरे पति ने मुझ पर हमला कर दोनों बच्चों को मार दिया, जिसमें 16 वर्षीय बेटे आदित्य और 13 वर्षीय पुत्री राखी शामिल है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाने की है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। मौके पर रतलाम जिले के एडिशनल SP सुनील पाटीदार मौके पर पहुंची FSL टीम ने सारी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी दिनेश अभी फरार है। पुलिस चारों ओर नाकेबंदी कर खोजबीन कर रही है। क्या हुआ था पूरा मामला बताओ। बता दिया सर। नहीं अब बताना पड़ेगा रिकॉर्ड के लिए। बोले ही नहीं जा रहा मेरे से। नहीं, ये हादसा कैसे हुआ? पति ने आपको कैसे मारा? पागल है सर पति, आपको पागल से भी ज्यादा पागल है। तो आपके चाकू मारा गया उसने? हाँ। और बच्चे? बच्चे क्या मालूम क्या करा बच्चे के साथ उसने। क्या नाम बच्चों का? अदित और राखी। आपको कैसे मालूम पड़ा कि बच्चों को कुछ हुआ है? सुबह देखा मैंने। देखने पर क्या मालूम हुआ? उठ ही नहीं रहे थे। फिर आपने किसको सूचना दी? मेरे देवर को फोन लगाया। क्या नाम है आपके देवर का? महेश। फिर क्या हुआ आने के बाद? ये पुलिस ने लिया। आपका पति कहाँ है? वो तो भाग गया। आपको चाकू कब मारा था? रात को मारा था। क्या मामला हुआ ये बताइए। ये मामला तो मेरे को नहीं मालूम। ये आए थे घूमने फिरने जावरा आए थे हुसैन टेकरी, पाँच एक दिन, ये मंगलवार को आए थे। कौन कौन आया था? मेरा भैया, भाभी और दोनों बच्चे, चारों परिवार ही आया था इनका जी। तो ये आए थे तो चार पांच दिन से रहे ये, और आज मेरे को सुबह 8 बजे फोन आया। बोलते भाभी ने बोला कि आप इंदौर से निकलो जल्दी से, यहाँ पर आ जाओ, तबीयत खराब है हमारी। बस ये बात हुई है सर। इसके अलावा इसके गाड़ी लेके आए, पैसे दिया मैंने कि भाई तुम जावरा जा रहे थे, आप चले जाओ, लड़ झगड़ के भी नहीं आए हो। और यहाँ भी वो पहले भी 2 साल रखे गए थे, ऐसा कोई बात नहीं है। पर आप क्या मालूम उनके क्या है उरादे में, तो थी नहीं यहाँ सुबह। आपको कैसे मालूम पड़ा इनके साथ ही होगा? वो फोन लगे थे। किसने? ये बहू ने। क्या बोला? तो बोले दोनों छोरे की तबीयत क्या मालूम अचानक सोए के सोए है, ये उठे नहीं, आप आओ, बोले इनको बुखार है क्या है नहीं। तो मेरे को दिमाग में लगा तू जाके चौकी फ़ोन करके वो तू इनको छोचने में भर्ती कर दो, दिमाग से निकल गए मेरे। तो अब आए देखे तो बच्चे ऐसे हो गए, इसको क्या मालूम। फिर दोनों की लड़ाई हुई। बच्चों को क्या हुआ? बच्चों दो ही शांत हो गए ना, दोनों शांत हो गए। हाँ, फिर लड़ाई हुई? लड़े मड़े नहीं हुई है कुछ भी, लड़े झगड़ा कुछ भी, इन्हें भी नहीं करा, उन्हें भी नहीं करा। आपको क्या बताया? मेरे को यही बताया, बोले सोए के सोए बच्चे रह गए, फेस आ रहा था मुँह में, वो हमने साफ करा। ऐसा लगता है पॉइजन वगैरह दिया? हाँ, ये सब कुछ खाया है वो। ये भी उल्टी करी ना पहुने भी। अच्छा, ये भी उल्टी करके बाहर हो गए, बच्चे ने उल्टी करी सो गए। तो इसको उल्टी इसको नहीं मालूम किसने खिलाया? ये नहीं मालूम है किसने खिलाया अभी, वो भी क्या मालूम, वो भी डर के मारे भग गया। वो पहले तो हाजिरी भरता, वो डरता है हमलाखों से, वो तो देख लिया माँ बाप मारेगा कुटेगा। वो गुस्से में दोनों बच्चे देख के इसको मार दिए उन्होंने गुस्से में, बोले बच्चे क्या हो गया। ऐसा लगता है बच्चों को उसी ने मारा? नहीं, ऐसा थोड़ी होता सर, अपने वाला तो कोई मार सकते क्या बताओ। फिर किस पर शंका है? संख्या नहीं, वो कुछ खाने पीने में आया है, चाकू में तो मारा है वो। फिर उनको दोनों की बात डर के मारी इसको मार दिए उन्हें, कि मेरे बच्चों को क्या कर दी तूने, क्या हो गया ऐसा। क्या नाम है किसका? आपका? मेरा नाम केसर है। और जो आपके लड़के का नाम? दिनेश है। ये आपकी बहू है? बहू है मेरी, मेरे साथ में रहती है। क्या नाम है इसका? अनीता। और बच्चे जो शांत हुए? वो मेरे पोता पोती है दोनों। क्या नाम है? एक का नाम आदित्य, एक का नाम राखी है। कितनी उम्र हुई? चौकी क्षेत्र में जहाँ थाना आई है, जावरा क्षेत्र लगता है, वहाँ सुबह सुबह चौकी पर एक सूचना प्राप्त होती है कि एक महिला घायल है और उसके दो बच्चे जो है वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचती और वो बच्चों को हॉस्पिटल भिजवाती है, जहाँ पहुँचने के बाद में डॉक्टर उनको मृत घोषित करता है।
और जो महिला थी वो घायल थी, उसको भी तत्काल भिजवाया। वहाँ जाकर जब महिला से साधारण तौर पे जो पूछताछ हुई है प्राथमिक तौर पे, तो उनका ये कहना है कि उनका पति और महिला और दो बच्चे यहाँ पिछले मंगलवार से यहाँ आए थे अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के हिसाब से, और उसके बाद में उसने कुछ मतलब बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया चीज़ों को, पर अभी हम लोग उसमें कर रहे हैं। तो उसमें जो बच्चों की डेथ हुई है उसमें पीएम करवा रहे हैं, पीएम करवाने के बाद में उसकी उनकी मृत्यु का कारण है वो और पता चलेगा। और महिला को यहाँ से एडमिट करवाया है रतलाम के लिए, तो रतलाम में वो डिटेल उसके स्टेटमेंट हो जाए, उसके बाद जो प्राथमिक स्टोरी है चूँकि महिला उसमें पड़े था तो वो बताएगी, उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अभी वो जो दिनेश है जो उनके पति है वो अभी यहाँ है नहीं, और जो आसपास के लोगों से जानकारी लगी कि सुबह यहाँ से वो निकल गए हैं, तो प्राथमिक तौर पर हमको ये लग रहा है कि उसने कोई घटना कारित की है, इस हिसाब से यहाँ से निकला है। परिजन आ गए हैं, उनके परिजनों के सामने उनका पीएम और बाकी कार्रवाई करवाएंगे। आगे फिर जो भी होगा फिर आप लोगों को ब्रीफ अलग से करीब किया जाएगा। ओके सर, थैंक यू।